सुपर ह्यूमन चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। ये है आपका प्यारा खान भाई। आज हम लोग एक ऐसा वीडियो लेके आया है जो हम सोचा नहीं था कि हम बनाएगा, लेकिन हम ऐसा क्रिंजी और ठट्ठी कंटेंट देखा नहीं है। तो आज यूट्यूब ऐसे ही हीरों के बारे में बात करेगा जो डूबे हुए खदान में से ढूंढ के निकालना पड़ता है। उन हीरो के बारे में बात करेगा जो दुनिया में लोगों का दिलों में हंसी लेके आता है। प्रैंक स्टार, टार, टार, प्रैंक स्टार। ऐसे ही गधों के बारे में बात करेंगे जो अपने आप को प्रैंक स्टार्स बुलाते हैं। प्रैंक स्टार्स के नाम पे वो लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या, वो हम आपको दिखाएगा। आज ऐसे ही कदू के क्रिंज कंटेंट और टट्टी कंटेंट के बारे में ये वीडियो है। तो इससे पहले कि बहुत ज़्यादा टाइम मुझे, चलो कंटेंट देखते हैं। ये है हमारा भाई एवीआर प्रैंक। ये इसका इंट्रोडक्शन तो बहुत ही धमाकेदार है, लेकिन इसके काम और भी धमाकेदार है। दिखाएगा, अभी दिखाएगा आप लोगों को। दिख रहा है क्या? मगर ठीक है, अगर ये गिरा दिया तो यू विन, यू कैन स्लैप मी एज हार्ड एज यू वांट। अगर नहीं गिरा, आई विन, यू हैव टू किस मी ऑन द चीक और एनीवे यू वांट। ओके, यस यस, आई विन, कम ऑन फास्ट। यो यो, यहाँ पर वीडियो में एक बोतल रखता है, लड़की को बोलता है कि ये बोतल अगर गिर गया तो तुम्हें मुझे गाल में चुम भी देना पड़ेगा। अबे तुम्हारा शक्ल देखो। और वो लड़की भी ऐसा 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 हल्के से मारते हैं, ऐसे कर, ऐसा लगता है उसको दिल से उसको चुम भी देने का। और ये भाई ऐसा खुश होते जैसे जिंदगी में इसने लड़की नाम का चीज़ नहीं देखा है। ये चुम भी के लिए इसका हरकत देखो। ये कंटेंट, ये प्रैंक है, क्या सिखा रहे तुम लोग बच्चा लोगों को नहीं मालूम है। यो, थैंक यू। चुम्मी लेने के बाद जो इसका यो है ना, ये अंदर से इसके अंदर लड्डू फूट रहे, क्योंकि इसको सारा जिंदगी में किसी लड़की ने चुम्मी नहीं किया, क्योंकि इसका शक्ल ही गधे जैसा है। नहीं, इधर कोई फायदा नहीं, चिल्ला बार मेरी साइड आ जाओ प्लीज यार। यस, मेरी तरफ आ गया। अभी ये भाई ने लड़की पटाने का एक नया तरीका ढूंढा, लड़कियों से चुनिया लेने का एक नया तरीका ढूंढा, ये बोतल घुमाने का। ये बोतल घुमाने वाला क्या सीन है? लेसी, आ रहे, आ जाइयो भाई प्लीज, इस बार आ जाओ, अगर तू नहीं आया ना तो इसके साथ जाएगा आज वापस। बोतल से बोलता है कि अगर आज नहीं आए तो इसके साथ जाएगा, तो वो बोतल तो तुम दे दो उसको ताकि वो तुम्हारे सर पे मारे, क्योंकि तुम ऐसा बेवकूफी हरकत कर। भाई ये वीडियो हम और नहीं देख सकता है, और भी दो तीन जाओ नहीं, और भी दो तीन लोग हैं जिनके बारे में बात करने हैं। तो भाई हम ये कहना चाहते हैं कि ये फ्रैंक नहीं है, फ्रैंक है, क्रैंक है, ये क्रिंज है। चलो अभी दूसरे भाई के बारे में बात करें। तो भाई जिस दूसरे वाला प्रैंक हम आपको दिखाएगा, प्रैंक नहीं क्रिंज और टट्टी कंटेंट दिखाएगा यूट्यूब का, उसका टाइटल आंटी की कमर पे पापी। ये पप्पी का साइन, पप्पी का साइन, पप्पी। हाय व्हाट्स अप गाइस, आई एम जीतू, वेलकम बैक टू माय चैनल। वापस आ गए एक मजेदार धमाकेदार वीडियो लेके। आई नो यू ऑल इंटरेस्टेड, सुन सुन के तुम लोग थक गए और पक गए हो, लेकिन भाईजान का शक्ल तो देखो, मुर्गा भी बहुत खूबसूरत नजर आता है भाईजान से। और हमारे सारे कमर के पप्पी के प्रैंक को आपने बहुत ज्यादा ही प्यार दिया है। भाईजान आगे से थैंक यू भी बोलता है, बोलता है हमारे सारे कमर पे पप्पी करने वाले प्रैंकों के थैंक यू आप लोगों ने। तो पब्लिक ऐसा कचरा चीज पसंद करते हैं, फिर कहता है टिकटॉक पे क्रिंज है, ये यूट्यूब में क्या तुम लोग दिखा रहे हैं, क्या चाहिए कर रहे हैं आंटी लोग, अगर कमर पप्पी कर। तो एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है नेचुरिस टेस्टोस्टिक। ये बहुत ही नेचुरल और हर्ब से मिलकर बना हुआ है, और हमको यकीन था कि इसको ऐसे ही दवाई वाला स्पॉन्सर करेगा। इसने ऐसा दवाई वाला ढूंढा है स्पॉन्सर करने के लिए कि मर्दानगी पे काम करेगा। क्या क्या प्रमोशन कर पा रहा है भाई यूट्यूब तुम तो। तो भाई जान अब ये प्रैंक देखो क्या करता है, कमर पे पापी करता है। तो आपने क्या लव मैरिज किया था कि अरेंज?
लव मैरिज है, मतलब वो बहुत ज़्यादा। तो भाई जान, ये भाई साहब जाता है एक आंटी के पास और उनसे सवाल करता है कि लव मैरिज थी के अरेंजमेंट। भाई साहब आंटी के साथ बैठ के ऐसे गप शप लगा रहे जैसे रिश्तेदार है उसे। पलके जिसकी पहले झपकी नहीं की वो हार जाएगा, और आप हार गए तो आप किसी को भी कोई भी डेयर दे सकते हो। ना आप हार गए। अब मैं डेयर दूंगा। वो लड़का जो दिख रहा है, कपल बैठा है ना, मेरे को दिए थे ना, मेरे को लड़की भी दिए थे ना, वो लड़के को जाओ आई लव यू बोलो। आप कोई भी डेयर नहीं कर रहे हो, ये सिंपल सा डेयर दे रहा हूँ आपके कमर पे एक छोटा सा केस। ये भाई साहब वो आंटी को गेम डेयर करते हैं कि आंखों में आंखें डाल के देखो, जो हारेगा, अगर हार गया तो तुम मेरे को चमाट मारो और नहीं तो मैं तुमको डेयर देगा। तो भाई साहब आखिर में डेयर क्या देते हैं, जाओ वो बाजू वाला लड़के है उसको थोड़ा पपी करो। वो बोलती नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती है। उसके पास वो उसको बोलता है तुम्हारा कमर पे एक छोटा सा पपी। नाइस मीटिंग यू। बहुत ही अच्छा लगा वैसे मालूम आप। आखिर में भाई जान उसका कमर पे पपी लेता है। ये इज्जत आप YouTube में लोगों को करना सिखा रहे और दिखा रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आया ये चूजे का मुंह वाला को ये आइडिया किसने दिया। ये रात को सोया था, नींद में से उठा, बोलो सुबह यूट्यूब वीडियो बनाएगा, आंटी की कमर पे पप्पी करेगा और व्यूज लाएगा। 5.6 मिलियन व्यूज। किधर तुम लोगों को अच्छाई सिखा रहा है यूट्यूब? तुम्हारे पास है क्रिंज और टट्टी कंटेंट का कमी है। चलो भाई साहब ने तो पप्पी कर लिया, अब दूसरा गधा को देखते हैं। तो ये जो हमारा दूसरा गधा है, ये भाई साहब की वीडियो का टाइटल ही बड़ा खतरनाक है। जो टाइटल है वीडियो का वो कहता है लेडी पुलिस किसिंग प्रैंक। पुलिस को भी नहीं छोड़ा। कुछ तो छोड़ो, कुछ तो क्रिंज कब करो भाई। मना क्या बोलेगा, चल वीडियो देखेगा क्या करता है भाई जान। स्टार्टिंग में ही खतरनाक पुलिस वाली का मुंह का साथ मुंह में लगा के सांस देता है। ये सा ये मुंह में मुंह डाल के चटनी बना रहा है। हेलो गाइस, कैसे सब, आई होप कि ठीक ठाक होगा। मैं इसका शक्ल देखो, मोमबत्ती के सर वाला बहुत सारा है टिकटॉक पे, लेकिन ये देखो ये क्या है, जला हुआ मुर्गा, ये किधर से आया? नहीं नहीं नहीं, भाई पुलिस वाले के साथ गपशप लगा रहा है, वो ड्यूटी पे है और ये उसे केसिंग कर रहा है। देखो क्या करता है, क्या बताएगा, मतलब पुलिस को भी नहीं छोड़ा। ये पुलिस वाले का नौकरी कैसे रह गया, हम तो ये सोचते हैं इसको नौकरी से नहीं निकाला कि कैमरा के ऊपर पुलिस के चुम्मछाटी करता है। इसको तुम लोग कंटेंट बोलता है। इसका वीडियो में आगे और कुछ खास है नहीं, ये पूरा वीडियो के अंदर उसे गपशप लगाते हैं, आखिर में उसे चुम लेते हैं। अभी एक आखिरी वीडियो डाले, वीडियो का टाइप गोल्ड डिगर प्लैंक। देख मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी, बहुत हो गया तेरा। क्या बात हो गया, अभी तो शुरू भी नहीं किया मैंने, किस शुरुआत नहीं की है, थोड़ा किस करूंगा, थोड़ा मजा करूंगा। पहले तो भाई साहब ये लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उसका रास्ता रोक रहे हैं, ठीक है, उसको तंग कर रहे हैं, और तुम लोग कहते हैं औरत का इज्जत नहीं है, औरत का इज्जत नहीं करते। ये कौन सा प्रैंक है, तुम औरत के साथ बदतमीजी करना सिखा रहे, औरत को रास्ते में चलना तंग सिखा रहे, तुमने स्क्रिप्ट भी बनाया पर भी ये तुम गलत काम कर रहे हैं। दिखाएगा आगे क्या होता है, देखो। अरे ये ना ये पैसे है, ये देखिए जितने दिन के ना तेरे जो किस्त है ना उसके लिए रख ले, चल गायब हो, चल उधारे पैसे, उधारे zoom कर पैसे उधारे ले। ओ माँ की छोट इसकी छोट गोल्ड में लगे पैसे गिन रही है, माँ छोट।
अरे वीडियो बन गई अच्छी वाली बहन जी नहीं निकल रही है अरे छुपा रही है बहन जी छुपा रही है भाग भाग ओ चोर बहन के पैसे लेके भाग गए यहाँ अच्छा तो भाई जान ये इसके अंदर भाई साहब लड़की को पहले पटाने का कोशिश कर रहे हैं ठीक है उसके बाद जब लड़की पटता नहीं है तो वो जाता है अपनी गाड़ी के पास जब अपने गाड़ी के पास जाता है जैसा आप लोगों ने देखा गाड़ी के पास जाता है लड़की गाड़ी दे के आ जाता है आता है तो भाई साहब वो लड़की के साथ चुम्मी करते हैं चुम्मी करने के बाद वो लड़की को बोलते हैं तुम गोल्ड डिगर है तुम गाड़ी देख के आया मेरे पास उसके बाद उधर से पैसे निकालता है पैसे ज़मीन पर फेंकता है गाड़ी लेके चला जाता है गाड़ी लेके जाता है उधर खड़ा होता है देखता है लड़की पैसा उठा रहा है जब लड़की पैसा उठा रहा है तो भाई साहब बोलता है गाली बीप 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 माँ बहन का गाली दे रहा है लड़की को ये क्या इज्जत तुम सिखा रहे हैं क्या NCW को ये वीडियो टैग नहीं करता कोई वो लोग कोई एक्शन नहीं लेता है माँ बहन का गाली जब लड़की को दे रहे हैं तो टिकटॉक के ऊपर ही सब हो रहा है YouTube में कुछ नहीं हो रहा है यूट्यूब में तो और भी ज़्यादा हो रहा है खुला गाली दे रहे हैं औरत को वो भी माँ बहन का उसके बाद तुम लोग कुछ नहीं बोलते हैं मेरे को तो ये समझ नहीं आता है कि तुम लोग बोलता है टिकटॉक में क्रिंज है टिकटॉक में यूट्यूब में इतना क्रिंज है इतना 30 घंटे मैं तो ये वीडियो आज क्रॉप करके तो ये NCW को टैग करेगा अगर तो वो वीडियो कंटेंट गलत है ठीक है गलत है मैं मान गया अकाउंट भी डिलीट किया तो ये सारा वीडियो भी डिलीट होना भाई साहब तो यही सब हम आपको दिखाना चाहता था और भी ऐसा 30 कंटेंट लेके आएगा अगली बार आपके लिए अगर इन लोगों ने कॉपीराइट स्ट्राइक हमारे ऊपर नहीं मारा अपना ख्याल रखिए सुपर ह्यूमन चैनल से खान भाई का आपको सलाम है और लाला लाला